फिल्म इंडस्ट्री के अंदर राष्ट्रीय विचारों का प्रवाह जो है वो मजबूत हो, और इस इंडस्ट्री में जो थर्ड और फोर्थ कैटेगरी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उसके अंदर सेवा भावना क्रिएट करने की दृष्टि, उनकी जो समस्याएं हैं उनको सुलझाने की दृष्टि से इस प्रकार का जो प्रयास RCS कर रही है वो बहुत ही अभिनंदनीय है, प्रशंसनीय है, और मैं इसको अपनी शुभकामनाएं जो है वो प्रस्तुत करता हूँ इस मौके पर। और कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में, कितना प्रेरणादायक रहेगा और लोगों के लिए कि वो ब्लड डोनेट करें? निश्चित रूप से समाज की जो आवश्यकता है वो समाज के द्वारा जो है वो स्वयं में परिपूर्ण हो, समाज को किसी भी चीज़ का अभाव न खले, इस प्रकार की जो बातें हैं वो RCS के द्वारा जो है वो समाज में प्रभावित होगी, और किसी भी व्यक्ति को ऐसा नहीं लगेगा कि भाई मेरे पीछे समाज नहीं खड़ा हुआ है, कोई भी आदमी जो है अभावग्रस्त महसूस नहीं करेगा, इस प्रकार के प्रयास से ये जो बातें हैं वो बलौती होगी। जो आज का कार्यक्रम प्रेजेंट किया है, पहले तो मेरी तरफ से उनको बधाई है। अवेयरनेस लाना या जानकारी देना कैंसर के बारे में बहुत ज़रूरी हो गया है, ये बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ कंडीशन है आजकल के समाज में, और अवेयरनेस वो भी सिने फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों को वो अवेयरनेस दे रहे हैं बीमारी होने के पहले प्रिवेंट करें, ये ज़्यादा ज़रूरी है, और इस मुहिम में मैं उनके साथ हूँ, आगे भी ये ऐसे ही कार्यक्रम करते रहे ये आशा के साथ। और लोगों के लिए कितना प्रेरणादायक रहेगा, जो आम जन है, जो आम पब्लिक है, उसके लिए कितना प्रेरणादायक रहेगा? बहुत बड़ी चीज़ है ना, देखिए ये इन्होंने पहल की है कि ये अपनी जानकारी, बीमारी की जानकारी भी लोगों को दे रहे हैं, यही नहीं कि वो डिटेक्शन कर रहे हैं, इस बीमारी के बारे में जानकारी भी दे रहे हैं कि आप जैसे महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस, इसकी भी जानकारी दे रहे हैं ताकि औरतें खुद को खुद ही इवैल्यूएट कर सके अपने घर में, है ना, तो वो बहुत ज़रूरी है। अवेयरनेस आएगी तो हम बीमारी को पकड़ सकेंगे और आगे बढ़ने से रोक सकेंगे, तो ये आम लोगों के लिए भी प्रेरणादायी होना चाहिए कि आप खुद को चेक करो और आगे भी दूसरे लोगों को बताओ कि आप ऐसे इन्वेस्टिगेट या अपने आप को तपास कर सकते हैं।